हे गाइस हाउ आर यू वॉट्सअप आई एम सत्यनारायण आई एम ए 2019 बैच आईपीएस ऑफिसर एंड गाइस वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोवियत अफगान वॉर सो व्हाट इज़ दिस सोवियत अफगान वॉर एंड व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोवियत अफगान वॉर वॉज फोर्ट बिटवीन अफ़गान गवर्नमेंट ऑन वन साइड एंड द लोकल मुजाहिदीन ऑन द अदर साइड यानी कि जो अफग़ानिस्तान में जो लोकल मुजाहिदीन थे दे हैड एन आर्म्ड स्ट्रगल और एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड दिस हैपेंड फ्रॉम द ईयर नाइनटीन सेवनटी नाइन टू नाइनटीन एटी नाइन एंड वाई दिस इज़ नॉन एज सोवियत अफ़ग़ान वॉर बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान वॉज सपोर्टेड बाय दैन यू एस एस आर यू एस एस आर यू नो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ Soviet Russia Note. so this USSR supported the armed struggle uh, for the Afghanistan government but on the other hand the Afghan mujahideen they were supported by United States and the Pakistan the nation of Pakistan so एक तरफ जो है वो मुजाहिदीन थे दूसरी तरफ जो अफगान गवर्नमेंट थी दस साल तक जो है वो लम्बा युद्ध चला एंड उसके बाद जो है वो फाइनली कुछ कंक्लूजन नहीं निकला अल्टीमेटली जो सोवियत फोर्सेस थी उनको वापस बैकआउट करना पड़ा द हैड टू विड्रो एंड दैट लेड टू द डिज़ोल्यूशन ऑफ यू यानी कि जो सोवियत रशिया था उसका डिजोल्यूशन हो गया एंड बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए और यूनाइट uh, जो यू था उससे रशिया जो आज की डेट में जो रशिया है दैट एम एस डेट अ सेपरेट कंट्री सो दिस कॉन्फ्लिक्ट इज एस्टिमेटेड टू हैव लीड टू द डेथ ऑफ ए मिलियन सिविलियंस और उसके अलावा जो है मुजाहिदीन फाइटर्स की बीच में डेथ हुई एंड इट लेड टू द डेथ ऑफ बोथ सोवियत एंड द अफ़ान सोल्जर्स एंड द लेफ्ट अफगानिस्तान इन रूइंस यानी कि नाइनटीन के पहले जो अफगानिस्तान था इट वॉज इन अ गुड स्टेट वहाँ पे अच्छी गवर्नेंस वगैरह थी एंड चीज़ें ठीक थी बट उसके बाद में जो ये लगभग दस साल का जो आर्म्ड स्ट्रगल चला उसकी वजह से द थिंग्स वेंट इंटू है एंड आफ्टर इवन थर्टी फोर ईयर्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट और द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू विटनेस इट्स आफ्टर इफेक्ट्स एंड आर द आफ्टर इफेक्ट्स आप लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर ही जो है वो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड अफगानिस्तान वॉज इन्वेडेड बाई सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन ने जो अफगानिस्तान में क्यों इन्वेड किया तो फॉर दैट

कम्युनिस्ट रिवोलूशन हुआ यानी कि उस वक्त जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा नॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर भी आपका चल रहा था यूएस US और यूएसए के बीच यूएसएसआर और यूएसए के बीच में और उस टाइम के जो अफगानिस्तान के जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे लाइक like नूर मोहम्मद तराकी ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि इस रिवोल्यूशन के बाद में यही जो है वो इस कंट्री के प्रेजिडेंट बने हफीज़ुल्ला अमीन एंड बबरा करमाल तो ही इज़ नूर मोहम्मद तराकी सो ही रिप्लेस्ड दिस गाय मोहम्मद दाऊद खान एंड दे लेड टू द स्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड तैाकी बिकेम द हेड ऑफ़ द स्टेट एंड सोलिडिफाइड अफगानिस्तान से टाइट विद सोवियत यूनियन तो बिकॉज आप जानते हैं कि यू एस जो था वो जो है वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज़म को प्रमोट करता था बट यू एस एस आर जो था जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो देट सपोर्टेड कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दे अपोज यूनाइटेड स्टेट का जो डेमोक्रेसी एंड जो कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था तो दिस दिस कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज दे वर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय यूएसएसआर और सोवियत रशिया देन दिस गाय इज हफिजुला अमीन सो जब इनकी गवर्नमेंट बन गई यानी कि तैराकी गवर्नमेंट बन गई सो ही वॉज नंबर टू इन दैट तराकीज गवर्नमेंट, बट धीरे धीरे जो है इनके बीच में डिस्प्यूट आ गया और ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी इनकी जो लोकल अफगानिस्तान पीपल थे या जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके बीच में जो है इतनी अच्छी उनकी पकड़ नहीं थी या उनको जो है वो सपोर्ट नहीं था दे हैड वेरी लिटिल सपोर्ट एंड स्पेशली जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे वो उनको जो कम्युनिज़म का जो आइडिया है वो उनको पसंद नहीं था एंड बिकॉज कम्युनिज़्म जो है वो रिलीजन के अगेंस्ट होता है कम्युनिज्म में ये कहा जाता है कि देर इज़ नो गॉड एंड रिलीजन इज जस्ट ओपियम ऑफ मासिस सो जो जो डीप रिलीजियस जो लीडर्स थे दे अपोज दिस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान एंड जो तैराकी हैं एंड जो उनकी कैबिनेट है उसके बीच में जो है डिस्प्यूट्स आ गए बिकॉज दे हेड लाइक स्वीपिंग सोशल एंड लैंड रिफॉर्म्स वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स उस टाइम पे हो रहे थे एंड जो गवर्नमेंट ने जो है वो फिर उसका रिटेलिएशन किया गवर्नमेंट ने जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे तराकी की गवर्नमेंट के खिलाफ सो दे स्टार्टेड इंप्रीजनिंग पीपल टॉर्चरिंग देम एंड किलिंग सेवरल ऑफ द रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो तो जो भी उनके धार्मिक गुरु थे उनको भी जो है उन्होंने मारना वारना शुरू कर दिया सो इन रिस्पॉन्स जो उस टाइम के जो लोकल जो ग्रुप्स थे उन्होंने जो है वो एंटी कम्युनिस्ट रेजिस्टेंस शुरू किया और उसका जो है वो नाम दिया उन्होंने मुजाहिदीन तो जब अफगानिस्तान में कैज स्प्रेड हो गया और जो है वो इनके डिफरेंट जो लीडर्स थे इनके बीच में जो रिलेशनशिप ख़राब हो गई सो जो आपके तराकी और जो क्लोज़ कॉन्फिडेंट थे उनके हफीज़ुल्ला अमीन इनके बीच में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स आ गए और आ, 1979 सितंबर में आ, तराकी को जो है वो गवर्नमेंट से निकाल दिया गया एंड जो है वो हफीज़ुल्ला अमीन ने उनका एग्जीक्यूशन करवा दिया यानी कि उनको फांसी पर लटका दिया और उस टाइम की जो आ, गवर्नमेंट थी उसको यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा सपोर्ट किया गया आप देखेंगे जो वहाँ के उस टाइम के जो मुजाहिदीन के जो लीडर्स हैं उनको जो है वो यूएस के लीडर्स के साथ में आप देख सकते हैं इस इमेज में तो अमीन जो है वो गवर्नमेंट में जब आ गए लेकिन वो जो एंटी कम्युनिस्ट जो वेव थी या जो मूवमेंट था उसको वो कर्ब नहीं कर पाए एंड दे फेल्ड टू कर्ब द एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड द मुजाहिदीन दे डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट द गवर्नमेंट और उनको जो मुजाहिद को जो है वो फंडिंग जो थी या जो आर्म्ड जो सपोर्ट था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मिला एंड जो इनका जो रूट था वो था थ्रू पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई उन्होंने एक अलग से विंग बना दी कि जो मुजाहिद्दीन जो होंगे उनको जो है वो सपोर्ट करने के लिए आईएसआई में एक उन्होंने सीनियर जो उनके जनरल थे उनको अपॉइंट कर दिया एंड इस तरीके से जो है वो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई एंड जो अफ़गानिस्तान के जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे फिर उन्होंने सोवियत यूनियन से जो है वो मदद मांगी उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई जो है वो आप अपने फोर्सेस को भेज दीजिए तो सोवियत यूनियन ने इसको काफ़ी भी दिनों तक डिस्कस किया और उसके बाद में जो है दे फाइनली दे थॉट ऑफ इन्वेडिंग अफगानिस्तान एंड जब सिचुएशन खराब हो रही थी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी तो जो आपका यूएसए था सोवियत यूनियन जो था उनको जो लगा कि सिचुएशन जो है वो खराब हो रही है और जो अमेरिका जो है उनका कोल्ड वॉर जो सुपर पावर राइवल है या एडवर्सरी है उनके जो है वो इन्फ्लुएंस में चीज़ें जा रही है तो दे फाइनली डिसाइडेड टू तो इन्वेड अफगानिस्तान एंड ऑन ट्वेंटी फोर्थ डिसंबर नाइनटीन सेवेंटी फोर नोट 1974 दिस इज़ नाइनटीन सेवनटी नाइन सम थर्टी थाउजेंड सोवियत ट्रूप्स एंटर द कंट्री एंड दे टोपल द शॉर्ट लिट गवर्नमेंट ऑफ अमीन यानी कि जो अमीन की जो गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने हटा दिया और डायरेक्ट उन्होंने कंट्रोल ले लिया एंड द सोवियत यूनियन दे एम्ड टू स्ट्रेंथन द अफगान आर्मी एंड हेल्प दैम सिक्योर स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो भी उस टाइम हैरात कंधार जो सिटीज़ थे उन्होंने जो है उन सिटीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो भी इम्पोर्टेंट रूट्स थे उनको सबको कैप्चर कर लिया बट जो मुजाहिदीस का जो सपोर्ट uh, था वो वो जो उनका जो रेजिस्टेंस था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड उन्होंने जो है वो <coughs> सोवियत जो फाइटर्स uh, थे उनके खिलाफ जो वो अच्छे से लड़ाई लड़ी then द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट led टू the यूनियन इज विड्रोल फ्राम अफगानिस्तान यानी कि जो भी उन्होंने आठ दस साल तक जो है वो अपना सोवियत यूनियन का जो है वो इन्वेजन रहा अफगानिस्तान में फोर्सेज वहाँ पर भेजते रहे और धीरे 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 वो फोर्सेज बढ़ाते रहे लेकिन जो है वो कोई भी कंक्लूजिव रिजल्ट नहीं मिला और मुजाहिदीन को जो है वो डिफाइट नहीं कर पाए उनको हरा नहीं पाए डिफीट नहीं कर पाए सो द ऑल दो दोवियत यूनियन दोर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर इन टू द वॉर इन देंट मोर देन वन लैख ट्रूप्स बट द वॉर वॉज लाइक देर वॉज अ स्टेल मेट और जो है वो कोई भी साइड जीत नहीं रही थी या हार नहीं रही थी सो वैल द सोवियत सोल्जर्स दे कंट्रोल्ड द सिटीज़ एंड द लार्जर टाउन्स बट जो मुजाहिदीन जो थे यानी कि जो लोकल फाइटर्स थे दे वर इन चार्ज ऑफ द कंट्री साइड यानी कि जो भी रिमोट एरियाज थे वहाँ पर उनका पूरा कंट्रोल था एंड uh, जिस तरह से जब जब वॉर आगे बढ़ता गया एज द वॉर प्रोग्रेसट द रिबल्स इंप्रूव देयर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्टिकल कैपेबिलिटीज़ जो कि एक वॉर के लिए इंपॉर्टेंट होती है एंड दे ऑल्सो बिगेन इम्पोर्टिंग एंड कैप्चर्ड द वेपन्स इंक्लूडिंग द यू एस स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह जो थी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली तो जो सोवियत ट्रूप्स जो हैं वो धीरे 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 ओवर द टाइम द डिमोरलाइज हो गए एंड uh, उसके बाद में नाइनटीन एटीज़ में जो उनके लीडर आए मिखाइल गौरब आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इज मिखाइल गौरब लॉन्ग टाइम तक रशिया के प्रेजिडेंट रहे हैं ही टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द सोवियत यूनियन इन मार्च नाइनटीन एट्टी फाइव एंड देन ही सेट दैट वी विल विदड्रॉ फ्रॉम द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान हमारा जो कैंपेन है वहाँ पे उसको हम खत्म कर देंगे <coughs> तो 1986 में जो है वो नवंबर 1986 में सोवियत यूनियन ने फाइनली डिसाइडेड टू लीव एंड गॉर्बोशेव जो थे उस रशियन प्रेसिडेंट ही सम अफगान कम्युनिस्ट लीडर्स एंड दे इन्फॉर्म्ड दैट हम जो है वो अगले दो सालों में हमारी आर्मी को विड्रॉ कर लेंगे आप जो अपनी तैयारियां करिए बट ही ऑल्सो अश्योर देम ऑफ मैसिव इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट बिकॉज वो जो है वो नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आए आगे वो यूनाइटेड स्टेट्स के हाथों में चली जाए सो द डिपार्चर जो था उनका वहाँ से दैट फाइनली हैपनड आफ्टर टू ईयर्स इन नाइनटीन और जब यूनाइटेड uh, जो सोवियत यूनियन है उन्होंने दे दाइंड द जिनेवा अकॉर्ड विद यूनाइटेड स्टेट्स तो यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन इनके बीच में जो जिनेवा अकोड हुआ और वहाँ से जो है वो डिसाइड हुआ कि टाइम बाउंड तरीके से जो है फोर्सेज को विड्रो कर लिया जाएगा सो द अकॉर्ड ऑल्सो सेट स्ट्रिक्ट टाइम लाइन्स टाइम लाइन्स थी उसमें कि इस इस टाइम पर जो है विड्रॉ किया जाएगा फॉर द विड्रोल ऑफ द ट्रूप्स बाई एंड मिड फेबर एट्टी नाइन जो है वो सारी सोवियत फोर्सेज को जो विदड्रो कर लिया गया तो ये तो हो गया सोवियत अफगान वॉर 1979 से लेके 1989 तक बट जो है उसके बाद में अफगानिस्तान का क्या हुआ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो द सोवियत यूनियन दैट होप्ड दैट विद इट्स हेल्प द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लेड बाय इट्स अलाई नजीबुल्ला द लीडर ऑफ़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान दे वुड बी एबल टू प्रॉपरली गवर्न द अफगानिस्तान जब नाइनटीन में चले गए फाइनली तो मोहम्मद नजीबुल्ला की गवर्नमेंट आई एंड जो सोवियत यूनियन है उन्होंने होप किया कि जो है वहाँ पर पी uh, पीडीपीए की जो गवर्नमेंट होगी वो अच्छे से चल पाएगी बट 1992 में जो में जो नजीबुल्ला को अपनी पोजीशन से रिमूव कर दिया गया एंड फॉलोइंग विच अ फेज़ ऑफ इंटेंस जोकिंग फॉर पावर अमंग द वेरियस मुजाहिदिन फैक्टर्स थे उनके जो अलग अलग डिफरेंट फैक्शंस थे उनके बीच में जो वो लड़ाई शुरू गई एंड द कॉन्टेक्ट ऑफ़ द ब्रेक डाउन ऑफ द गवर्नेस एंड इंटेंस वॉर फटीक अमंग द अफगान पीपल दे सेट द स्टेज फॉर द एमरजेंसी ऑफ तालिबान इन नाइनटीन नाइन फोर सो नाइन्टीन एटी नाइन में जो है वो सोवियत फोर्सेज ने विड्रो किया और नाइन्टीन नाइन्टी फोर में फाइनली जो अफगानिस्तान में तालिबानी रिजिम की शुरुआत हो गई एंड बाई नाइनटीन नाइन्टी सिक्स द तालिबान लीडर एंड द फॉर्मर मुजाहिदीन कमांडर मोहम्मद उमार अभी कुछ दिनों पहले इनकी डेथ हुई थी सो मोहम्मद उमार ही सीज द कंट्रोल ऑफ अफग़ानिस्तान एंड द रूल केम टू एन एंड जो <coughs> जो मोहम्मद उमर है या तालिबानी रिजिम जो है वो तब खत्म हो गया जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो उनके खिलाफ सीरीज़ ऑफ़ मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए थे जब वो ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे जब ओसामा बिन लादेन ने नाइनटीन का अटैक कर दिया था अल, अलकायदा फॉर्म करके यू ऑल नो दैट ओसामा बिन लादेन वॉज द लीडर ऑफ अलकायदा और वहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान में रहकर एक्टिवली वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे तो अफगानिस्तान को जो है वो फिर फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स जो है या यू एस ए अमेरिका जो है उन्होंने फाइनली इन्वेट किया दो हज़ार एक के बाद में और तालिबानी रिजिम ख़त्म हो गई लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि लगभग जो है वो पंद्रह सोलह साल के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी वहाँ से जब पहले ट्रंप ने उसको स्टार्ट किया और फिर उसके बाद जो है वो बाइडेन के टाइम पे फाइनली जो है वो अगस्त 2021 में अमेरिका ने फाइनली डिसाइड कर दिया दैट दे विल लीव अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में जो आज की डेट में तालिबानी रिजिम है दैट यू नो सो गायस वर्ल्ड हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसके बारे में जो है वहाँ पे अफगानिस्तान की लोकल सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस हुए पहले क्या चेंजेस हुए दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द सोशल चेंजेस द पोलिटिकल चेंजेस द इकोनॉमिक चेंजेस सो यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ वॉट हैपन इन अफगानिस्तान जो उनकी हिस्ट्री है यानी कि पर्टिकुलरली जब नाइनटीन के बाद की जो हिस्ट्री है उनकी एंड ऑल्सो दिस सोवियत अफगान वॉर So thank you so much guys for watching the video. Have a nice day.